यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के बाद ब्रिटेन की विदेश नीति में मिला भारत को सर्वोच्च स्थान। बोरिस जॉनसन का भारत दौरा हमेशा हमेशा के लिए भारत और यूके के रिश्तों की रूपरेखा बदलने वाला है। इस दौरे को कोविड की भीषण वेव के बावजूद भी नहीं टाला गया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि यह दौरा दोनों देशों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत हरडक आपको बताऊंगा कैसे अब ब्रिटेन भारत के साथ अपने संबंधों को नया आयाम देकर वैश्विक राजनीति में अब भी प्रासंगिक बने रहना चाहता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 25 अप्रैल को भारत आने वाले हैं। उनका यह दौरा वर्ष 2019 के ब्रिटिश चुनाव के बाद पहला ऐसा दौरा होने वाला है जब जॉनसन यूरोप के बाहर किसी देश की यात्रा करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता में सम्मिलित होंगे। जॉनसन का भारत आगमन कई मामलों में महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस दौरे में भारत और ब्रिटेन के बीच रोड मैप 2030 को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौते होने की गुंजाइश है। इस दौरे में भारत और ब्रिटेन के बीच हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज, व्यापार के अतिरिक्त सामरिक साझेदारी बढ़ाने और रक्षा सहयोग विकसित करने को लेकर समझौता हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि भारत और ब्रिटेन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अगले एक दशक की साझा रणनीति को लेकर रोडमैप तैयार करेंगे। साथ ही ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियां कैसे आगे बढ़ेंगी, इसे लेकर भी बातचीत होने वाली है। बता दें कि ब्रिटेन को भारत के यूरोपीय बाजार का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोप में संचालित होने वाली अधिकांश आर्थिक गतिविधियों के लिए भारतीय कंपनियों का केंद्र स्थल ब्रिटेन ही है। लगभग हर बड़ी भारतीय कंपनी अपने ब्रिटिश कार्यालय के द्वारा ही यूरोपीय व्यापार संचालित करती है, किंतु EU से अलगाव के बाद इन समीकरणों को नए सिरे से साधना होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि फ्रांस पिछले कुछ वर्षों से यह प्रयास कर रहा है कि वह भारतीय कंपनियों के लिए ब्रिटेन का विकल्प बने। ऐसे में यह दौरा भारतीय हितों के लिए ही नहीं बल्कि ब्रिटिश हितों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय जब कोविड अपनी पूरी शक्ति से वापस आया है तथा दुनिया भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, भारत और ब्रिटेन का आपसी सहयोग और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की वैक्सीन मैत्री को दुनिया भर में सराहा जा रहा है, जिससे चीन ही नहीं पश्चिमी देशों को भी जलन हो रही है। इसके चलते उन्होंने वैक्सीन उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चे माल की सप्लाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। किंतु बोरिस जॉनसन का यह दौरा इस गतिरोध को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और ब्रिटेन दोनों लोकतांत्रिक शक्तियां एक साझा शत्रु चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रवैये से परेशान है। एक ओर चीन लद्दाख में भारत को अनावश्यक रूप से उकसा चुका है, दूसरी ओर उसने हांगकांग को लेकर ब्रिटेन से किए अपने समझौते का उल्लंघन किया है। हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लादकर चीन ने ब्रिटिश दबदबे को गहरा आघात पहुंचाया। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में चीनी जासूसी तंत्र के खुलासे और उसके विरुद्ध ब्रिटिश कार्रवाई के कारण भी दोनों देशों के संबंधों में खटास आ चुकी है। अब ब्रिटेन के पास एक ही रास्ता है कि वह दक्षिण चीन सागर एवं हिंद महासागर में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाकर स्वयं को पूर्वी एशिया और हिंद महासागर के शक्ति समीकरण में प्रासंगिक बनाए रखे। इससे चीन पर दबाव भी बनेगा, इस कार्य में भारत उसकी सहायता कर सकता है। वहीं रक्षा क्षेत्र की बात करें तो भारत और ब्रिटेन फाइटर प्लेन से लेकर साइबर सुरक्षा तक तमाम पहलुओं पर सहयोग कर रहे हैं। ब्रिटेन फाइटर प्लेन के लिए स्वदेशी इंजन के निर्माण में भारत का सहयोग कर सकता है। यदि ब्रिटेन ऐसा करता है तो यह एक ऐसा प्रस्ताव होगा जो अब तक फ्रांसीसी, रूसी या अमेरिकी किसी भी डिफेंस सेक्टर ने भी नहीं दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग के लिए असीमित संभावनाएं हैं। ऐसे में जॉनसन का यह दौरा भारत ब्रिटेन के संबंधों के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही यह पूरे हिंद प्रशांत की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डालेगा।